बिल्कुल बिल्कुल रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम. यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट. नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर अजमेर. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन लगातार भारतीय रेल के निजीकरण के विरोध में अपने कार्यक्रम करती आ रही है. भारत सरकार तक, प्रशासन तक अपना विरोध दर्ज कराने का काम कर रही है और इसी कड़ी में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के आह्वान पर इस जन जागरण सप्ताह जो आज से शुरुआत हो रहा है, इसके तहत हमने आम नागरिकों को, आम शहर के जो विशिष्ट जागरूक नागरिक हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, उनका भी सहयोग लेकर के हम भारत सरकार तक रेलवे के निजीकरण की वजह से जो नुकसान होने वाला है इस देश को, इस देश की जनता को, ये हम पहुँचाने का प्रयास इस जन जागरण सप्ताह के माध्यम से करेंगे. और ये आम जनता को भी बताना चाहेंगे कि यदि भारतीय रेल निजी हाथों में चले जाएगी तो फिर आने वाले समय में जो देश की ये राष्ट्रीय संपदा है, जो देश के आम व्यक्ति को, गरीब और मध्यम वर्ग को एक सुरक्षित सस्ती यातायात का साधन उपलब्ध करा रहा है, करीब 200 तरह के विभिन्न प्रकार के कंसेशंस देने का काम किया जा रहा है, जो लोडिंग और माल की ढुलाई है उसमें भी हम भारतीय रेल जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर रियायत देने का काम करती है. यदि प्राइवेट कंपनीज इस पर को बेचने का काम होगा, भारतीय रेल को कब्जा करने का काम करेगी, तो ये तमाम रियायतें भारत की जो आम जनता है उसको देने का काम नहीं करेगी, केवल मुनाफे का काम करेगी और वहाँ पर संरक्षित और सुरक्षित यातायात का जो साधन है हमारा वो समाप्त होने का काम होगा, राष्ट्र की संपदा को नुकसान होने का काम होगा. मोहन चलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज. जिस तरीके से भारत सरकार भारतीय रेल का निजीकरण करके निजी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम कर रही है, इसका विरोध करते हुए ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और उसकी संलग्न यूनियन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने जिस तरीके से 8 अगस्त से रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत अपने आंदोलन को तेज करने का काम किया है और 8 अगस्त, 18 अगस्त और उसके बाद 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक पूरा सप्ताह जन जागरण और विरोध दिवस के रूप में, विरोध सप्ताह के रूप में मनाने का जो फैसला किया है, उसके चलते आज हमने इस विरोध सप्ताह का आगाज़ किया है. और आज के दिन हमारी यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी एक एक रेल कर्मचारी से मिलकर उन्हें पर्चे वितरित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार निजीकरण कर रही है भारतीय रेल का, उन्हें हर एक जानकारी देने का काम कर रहे हैं. और इस प्रकार से एक काला बैज यूनियन ने बनाया है कि मैं भारतीय रेल के निजीकरण का विरोध करता हूं. ये बैज दिए जा रहे हैं जो रेल कर्मचारी पूरे सप्ताह लगाने का काम करेंगे. और इसके साथ साथ 14 और 15 तारीख दो दिन हमारा रेल कर्मचारी के एक एक रेल कर्मचारी से मिलने का संकल्प है. इसके बाद 16 और 17 तारीख को दो दिन हम इस भारतीय रेल का निजीकरण देश के हित में नहीं, इस बात को हम आम जनतक ले जाने का काम कर रहे हैं. आम जनतक हम एक सेमिनार के माध्यम से, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, हम शहर के विभिन्न गैर राजनीतिक संगठन, संस्थाएं, महिला संगठन, छात्र संगठन, इन तमाम लोगों को बुलाकर इनसे बातचीत करके, एक चर्चा परिचर्चा करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आम जनता, समाज भारतीय रेल के निजीकरण को किस दृष्टि से देखता है. और हम अपनी कोशिश करेंगे कि जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि देश के हित में नहीं है और इस आंदोलन में हम जनता को भी जोड़ने का काम करेंगे. इसके बाद 17 तारीख को हम लोग जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके प्रमुख नेताओं से मिलेंगे और उनको एक अपील करेंगे कि आप भारतीय रेल के निजीकरण के विरोध में जो हमारी मांग है उसे माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री तक पहुंचाने का काम करें. 18 तारीख को परिवार से जुड़ने के लिए रेलवे कॉलोनियों में मशाल रैली, वाहन रैली,
के माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और 19 तारीख को सप्ताह के अंतिम दिन हम लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल विरोध करने का एक बहुत बढ़िया साधन है ट्विटर, उस ट्विटर के माध्यम से रेल मंत्री प्रधानमंत्री जी को लाखों लाखों की संख्या में भारतीय रेल के निजीकरण के विरोध में ट्वीट करने का काम करेंगे रेल बचाओ देश बचाओ हैशटैग के साथ। और रात्रि में 8 बजे से लेकर 8:10 तक, यानी कि 10 मिनट तक प्रत्येक रेल कर्मचारी, इस देश का प्रत्येक 13 लाख रेल कर्मचारी और उससे जुड़े हुए लोग अपने घर की बत्तियां बंद करके ब्लैकआउट करके विरोध प्रदर्शित करने का काम करेंगे और इस संघर्ष को हम लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन।